दोस्तों, अगर आप भी एक फेसबुक क्रिएटर हो, फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको ये दो तीन गलती आगे जिंदगी में कभी भी नहीं करना है। अगर आपने आगे ये गलती करते हो तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। क्या गलती नहीं करना है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे वीडियो में बता चुका हूं कि भाई कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो सोच समझ कर कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि बहुत सारा भाई क्या कर रहे हैं कि किसी दूसरे का वीडियो को उठाकर सीधा अपने पेज पर या फिर अपनी प्रोफाइल पर डालकर अपना पेज को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर आप कॉपी पेस्ट कंटेंट पर काम करना चाहते हैं तो आप सोच समझ कर किया करें। ऐसा नहीं कि आपने किसी दूसरे का कंटेंट को सीधा उठाकर डाल देंगे और आप जो कि पैसा कमाएंगे। ऐसा होता तो कोई चैनल अपना जो कि मेहनत नहीं करता, सीधा किसी दूसरे का वीडियो उठाता और पैसा कमाना चालू कर देता। जैसे कि मैं भी वीडियो नहीं बनाता इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आप लोगों को कैमरे के सामने आते हैं ये करते हैं, ये नहीं करता। तो आपको भी करना क्या है, आपको वो सारे गलती नहीं करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को एक प्रोफाइल दिखाना चाहूंगा, इससे पहले भी मैं आप लोगों को वो प्रोफाइल दिखा चुका हूँ और वही भाई जो कि ये थोड़ा सा गलती किया है। जैसे कि ये बात भी मैं आप लोगों को बताया है कि अगर आपने पेज पर कोई गलती करते हैं तो उसका इफेक्ट आपका प्रोफाइल पर पड़ेगा। अगर आपने प्रोफाइल पर कोई गलती करते हैं तो आपका उसका इफेक्ट आपका पेज पर भी जाएगा। तो वो गलती इन्होंने किया है जिस वजह से इनका अर्निंग आना बंद हो गया। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। सो यहाँ पर देखो, इस प्रोफाइल को मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया है मॉडर्न कोरा के नाम से। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं लोगों में क्लिक करता हूँ और ये मैं आप लोगों को इससे पहले दिखा चुका हूँ और इन्होंने फिर से गलती किया है। क्या गलती किया है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखो यहाँ पर सी डैशबोर्ड में मैंने क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ठीक है, नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखो प्रोफाइल का रिकमेंडेशन है, सो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे में मिल जाता है प्रोफाइल का स्टेटस। देखो प्रोफाइल का स्टेटस है, यहाँ पर देखो प्रोफाइल हैज सम इशू आ गए। अब ये क्यों आया है देखो, यहाँ पर 5 सितंबर 2024 को आया है। सो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या गलती किया है। देखो यहाँ पर मैंने कॉपीराइट में मैंने क्लिक किया, इस वीडियो को अपलोड किया है 5 सितंबर को, ठीक है। देन यहाँ पर देखो MD मॉडर्न कोरा के नाम से एक पेज इन्होंने बनाया है और यहाँ पर जो प्रॉब्लम आया है इनकी प्रोफाइल पर, देखो प्रोफाइल हैज सम इशू आया है प्रोफाइल पर प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन गलती किया है वो अपने पेज पर। यही चीज मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप सोच समझ कर करो। यहाँ पर इन्होंने कॉपी पेस्ट कंटेंट डाले हैं जो नाइजीरियन कंटेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो जंगल में जो लोग बास करते हैं उन लोगों के यहाँ पर जो कि वीडियो को यहाँ पर अपलोड किया गया है, कॉपी पेस्ट किया गया है, लेकिन ये किया है कहाँ, अपने पेज पर MD मॉडर्न कोरा के नाम से। लेकिन गलती यहाँ पर करने के बाद प्रोफाइल है साम इशू आया है अपने प्रोफाइल पर। तो यही चीज भाई मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप जो भी प्रोफाइल बना रहे हो या फिर जो भी पेज बना रहे हो जिस प्रोफाइल के थ्रू, ना ही आप प्रोफाइल में कोई गलती करो, ना ही आप पेज में गलती करो, और इसका कारण इनका अर्निंग भी बंद हो गया। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मोनेटाइजेशन में क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर देखो सारे अर्निंग बंद, मोनेटाइजेशन अफेक्टेड भी हो गए हैं और उसके साथों साथ नीचे में देखो ये सब जो कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हो गए, सारे का सारे अर्निंग बंद हो गए। तो इसीलिए भाई आपको सोच समझ कर करना है। अब इसका समाधान क्या है, समाधान की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं सीडासवर्ड में जाता हूँ, समाधान मतलब उसके अपील करना होगा, अपील करके इसे रिमूव करना होगा, इससे बेहतर तरीका है ही नहीं। और किसी का परमिशन लिए बगैर अगर अपने वीडियो को अपलोड करते हो तो आपके साथ ऐसा ही होगा, मैं आप लोगों को वही दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल रिकमेंडेशन में जाते हैं, प्रोफाइल स्टेटस, देन यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसका रूल देखो, देखो यहाँ पर इस वीडियो पर आया है तो यहाँ पर देखो सी रूल है, सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये रूल क्या है यहाँ पर देख लो, दूसरे का कंटेंट अपलोड करने का, एग्जाम्पल ऑफ थिंग विद दैट डोंट अलाउ शेयरिंग कंटेंट। देखो यहाँ पर इस चीज को पढ़ लेना अच्छे से, शेयरिंग कंटेंट ओन्ड बाय समवन एल्स विदाउट देयर परमिशन अनलेस ए लीगल एक्सेप्शन अप्लाई। मतलब जो कि यहाँ पर ये जो अपलोड किया है अपना वीडियो को, इनका वीडियो को अपलोड किया है, ये उनका परमिशन लिए बगैर ही अपलोड किया है, जिस वजह से यहाँ पर इनको कॉपीराइट मिल गया। तो इसीलिए आपको सीधा उठाकर कहीं से अपलोड नहीं करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करना ही चाहते हैं तो उनको आप क्रेडिट दे दीजिए तो ही सही रहेगा, नहीं तो आप पूछ कर करिए, यही बेहतर है। उसके बाद नीचे में देखो प्रोमोटिंग और शेयरिंग लिंक्स टू कंटेंट दैट फैसिलिटीज कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। तो इसीलिए जो कि यहाँ पर कॉपीराइट आए हैं, अब ऑप्शन क्या है कि हम इसे कैसे ठीक कर सके, तो इसके लिए करने क्या है, देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा कॉपीराइट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर कोई भी एक पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में देखना है, नीचे में देखो यहाँ पर सी ऑप्शन मिल जाता है और ये कब हटेगा इस चीज को भी देख लो, यहाँ पर कितना बड़ा गलती किया है और कितना दिन भुगतना पड़ेगा,
यू हैव 179 डेज लेफ्ट टू रिक्वेस्ट ए रिव्यू। समझ रहे हो कितना दिनों के चक्कर में आ गया ये, 189 दिन, समझ रहे हो 180 दिन के आसपास इनका जो भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर सी ऑप्शन में क्लिक करना है। अगर आपने गलती कर ही दिए हैं तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, अब आपको अपील करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सबमिट एन अपील देख सकते हैं, सबमिट एन अपील आप अपील कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके देखो ईमेल दिया रिपोर्ट रिपोर्टर जिन्होंने यहाँ पर दिए हैं तो उनको आप ईमेल कर सकते हो। ये ईमेल भी दे दिया गया है, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके आप जो कि इसे ठीक कर सकते हो। अगर वो रिप्ले करके हटा देते हैं तो ठीक है, नहीं हटाता है तो आपको 180 दिन मतलब जो कि 6 महीना आपका सजा भुगतना पड़ेगा ये गलती के कारण। तो इसीलिए भाई आपको सोच समझ कर गलतियाँ करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप यहाँ पर क्या करो, ईमेल में कॉन्टैक्ट करो, अगर आपका भी ये प्रॉब्लम आता है तो सोच समझ कर करना। ईमेल पर कॉन्टैक्ट करने के बाद वो अगर हटा लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हटाते हैं तो आपको कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबमिट एन अपील पर क्लिक करता हूँ। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, कॉपीराइट अपील फॉर्म, यहाँ पर ये सारा चीज़ को पढ़ सकते हैं। मैंने जो गलती किए हैं उस बारे में यहाँ पर बताया गया है, रिमूव्ड के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड विश टू कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको करना क्या है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, योर नेम देना होगा, सरनेम देना होगा, आपका ईमेल एड्रेस देना होगा और रिपोर्ट कंटेंट इशू जो भी है। आई कैन नॉट सी दैट कंटेंट आई विश अपील। अब अपील आप तभी कर सकते हो जब आपने सही किया हो, तभी आप अपील करना, नहीं तो आपका अपील भी बेकार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अपील में क्या बताओगे, मैंने सही डाले हैं, मैंने कोई गलती नहीं की है, यही चीज़ तो आप बताओगे, है ना। तो आपको करना क्या है, अगर आपने सही कंटेंट डाले हो, अगर आपने किसी का कॉपी नहीं किया हो तो ही आप अपील करना, नहीं तो अपील में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर रिपोर्ट करो, यहाँ पर ईमेल दिया रिपोर्ट, इनके साथ बातचीत करो कि मेरा गलती हुआ है, मैं सॉरी कहना चाहूँ, माफ़ी मांगता हूँ, आप मेरा जो कॉपीराइट है इसे हटा दीजिए, यही आपके लिए रास्ता है। अब एक कैसे, देखो यहाँ पर जो ईमेल है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जीमेल में जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ गया आपका जीमेल से, जो भी आपका जीमेल है यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देना, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है कि माई मिस्टेक ऐसा कुछ लिख देना, प्लीज़ रिमूव कॉपीराइट इस तरह से लिख देना। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी गलती की है आप बंगाली में या फिर आप हिंदी में ट्रांसलेट करो उसे, हिंदी को हिंदी में लिखो, जो भी लिखना है कि मैंने गलती की है, ये मेरे से गलती हुआ है, तो प्लीज़ आप कृपया करके ये कॉपीराइट को हटा दीजिए, ये लिखो। लिखने के बाद उसे इंग्लिश करो, ट्रांसलेट करके इंग्लिश करो, फिर आप यहाँ पर पेस्ट करो। अगर वो रिप्ले करता है, मान जाता है तो आपके लिए सही है, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा 6 महीना। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि फेसबुक पर काम करते टाइम आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती कर दिया हो ना इस तरह से, तो आपको 6 महीना भुगतना पड़ेगा कम से कम। अगर आपने फिर से गलती कर देते हो तो शायद आने वाला समय में आपका पेज या फिर प्रोफाइल खतरे में चला जाए, तो आप सोच समझ कर काम करना। आई होप आपको सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे होंगे, इन्फॉर्मेशन सही लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर कुछ इस तरह का इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट अपलोड होते रहते। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।